आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाने लगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी भी चल रही है, बुकिंग अमाउंट रहती है 21,000, उसके बाद हम आपका लोन कराते हैं। लोन होने के बाद आपका जो नॉमिनल अमाउंट, जो रेस्ट अमाउंट बचता है, वो आपको रजिस्ट्री के, हमें रजिस्ट्री के टाइम पे देना होगा। सारे फ्लैट्स के अंदर डील करते हैं, हमारे से आपका डील करने का ये फायदा है कि हम लोग बिल्डर हैं, हमारे बीच में कोई डीलर, कोई हिडन चार्जेस, कोई कमीशन नहीं होती। जो भी फ्लैट्स हमारे होते हैं बहुत नॉमिनल रेंज के होते हैं, पूरा जैसे मॉडर्न किचन है भैया। तो दोस्तों एक और वीडियो DLF अंकुर बिहार से आप देख रहे हैं, भैया हमारे साथ है। कैसे भैया? बढ़िया भैया, आप बढ़िया? बहुत बढ़िया। तो आज सबसे पहले तो एक बार जो नए लोग देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताएं। हमारा ऑफिस का नाम है गुरमन ब्रदर्स का नाम से हमारा ऑफिस है, जो कि MM74 DLF अंकुर विहार के अंदर है। हम लोग 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सारे फ्लैट्स के अंदर डील करते हैं। हमारे से आपका डील करने का ये फायदा है कि हम लोग बिल्डर हैं, हमारे बीच में कोई डीलर, कोई हिडन चार्जेस, कोई कमीशन नहीं होती। जो भी फ्लैट्स हमारे होते हैं बहुत नॉमिनल रेंज के होते हैं, आप अपना उस नॉमिनल रेंज से जो भी आपका फ्लैट पसंद करते हैं उसका अपने रजिस्ट्री कराइए। बीच में कोई एक्स्ट्रा पैनी, एक्स्ट्रा कोई चार्ज आपको नहीं लगता, डायरेक्ट आपको ये फ्लैट मिलता है। आज हम आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाने लगे हैं, लो रेंज के अंदर फ्रंट साइड का फ्लैट दिखाने वाले हैं, 1 बेडरूम सेट। अगर हम जैसे वीडियो के अंदर तो हम आपको फ्लैट दिखा देंगे, फैसिलिटीज की बात करें तो 24 आवर्स वाटर सप्लाई है और IGL गैस पाइपलाइन भी हमारी इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आ रखी है। 2 व्हीलर पार्किंग भी दे रखी है आपको, सामने ही हमारी कॉलोनी के मतलब बिल्डिंग के पार्क भी है। स्कूल्स की बात करें तो सारे स्कूल हैं, DPS है, सेंट मैरी है, गवर्नमेंट स्कूल भी सारे हैं, क्रिश्चियन स्कूल भी हैं यहाँ पे। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो DLF का अपना चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी रेडियंट हॉस्पिटल, अनुष्का हॉस्पिटल, मतलब जितनी भी आप कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी देखो सारी है। पानी की भी मैंने आपको बता दी है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, IGL गैस पाइपलाइन भी मैंने आपको बता दी है। इसके अंदर जैसे अगर आप आए हो, आपको हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी पसंद आती है, चाहे हम जिसकी वीडियो दिखा रहे हैं वाली प्रॉपर्टी पसंद आती है, हम आपको और भी ऑप्शंस दिखाएंगे। तो इसमें हमारी बुकिंग अमाउंट रहती है 21,000, उसके बाद हम आपका लोन कराते हैं। लोन होने के बाद आपका जो नॉमिनल अमाउंट, जो रेस्ट अमाउंट बचता है, वो आपको रजिस्ट्री के, हमें रजिस्ट्री के टाइम पे देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको ये बताया, ये फ्लैट हमारा 10.5 लाख रुपए का है, इसमें 9.5 का लोन हुआ, 21,000 आप दे चुके हो, जो आपका बीच का अमाउंट आपका 79,000 के अप्रॉक्स रहा, वो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे देना होगा। बाकी इसके अंदर लोन में आपको बता दूं, जैसे आपको 90-95% आपका लोन हो जाता है, उसके अंदर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी भी चल रही है, जो कि आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, जैसे 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है तो आपको कैशबैक आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपका लोन 2,67,000 रुपए कम हो जाता है। लोन 10 लाख का ना रह के 7.5 लाख रुपए का हो जाता है, 7,33,000 रुपए का। ठीक है, तो बाकी बहुत ही अच्छी फ्लैट है 1 BHK का। स्टार्ट करते हैं, आपको नीचे से दिखाते हैं सारा कुछ, दिखाएंगे फ्लैट का, फिर बाकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है ऑफिस का। कोई भी आपको किसी 1 BHK के, 2 BHK, 3 BHK कोई भी रेंज आना हो या किसी वीडियो सही हो, तो आप अपने गिवन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जैसे कई 100 फ्लैट और हैं, तो आपको वो भी हम विजिट कराएंगे जब भी आप आएंगे। ठीक है, तो हम आगे अपने फ्लैट पे, भैया हमारे साथ। भैया आज कौन सा फ्लैट दिखाने वाले? आज हमको लो बजट के अंदर फ्रंट का फ्लैट दिखाने वाले हैं, 1 बेडरूम सेट। 1 बेडरूम सेट, ठीक है। 1 BHK का फ्लैट दिखाएंगे, एंट्रेंस से शुरुआत करते हैं। देखिए दरवाजा बहुत ही बढ़िया दरवाजा, आपको 3.5 फुट का भैया इसमें दरवाजा दे रखा है। ठीक है, एंटर करते हैं हम फ्लैट के अंदर अपने। ये देखिए एंटर करते ही आपको काफी अच्छा ड्राइंग रूम मिल जाएगा। इस टाइम नीचे 2x2 की विट्रीफाइड टाइल लगी हुई है भैया। ठीक है, ऊपर एक बार फॉल सीलिंग की तरफ नजर कर दीजिए। फॉल सीलिंग देखिए कितना शानदार, इसमें फॉल सीलिंग बना के दिए, फैन वगैरह लगा के देंगे सारा। हाँ, फैन वगैरह सब, लाइट और फैन लगा के देंगे। इसके अंदर भी जैसे हमने ये पूरा स्विचेस वगैरह आपको सारे दे रखे हैं, सामने हो गया, नीचे मेन का स्विच हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका LED का स्विच हो गया। जैसे आप L कॉर्नर सोफा रखते हो तो अपना सामने आप LED रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप आराम से L कॉर्नर सोफा रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे ये ओपन किचन का कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने 2 प्रोविजन दे रखे हैं भैया। अच्छा, या तो आप यहाँ पे हम आपको MDF की एक वॉल लगा देंगे, जैसे कस्टमर की डिमांड है, अगर वॉल कहेंगे तो वॉल लगा देंगे, वरना ओपन सेपरेट किचन है, ड्राइंग रूम का स्पेस है वो सेपरेट है। ठीक, ये वॉल का हमने प्रोविजन रखा हुआ, प्रोविजन रखे हुए, अगर आप चाहते तो बनवा चाहते हैं तो लगवा देंगे। इसके अंदर पूरा जैसे मॉडर्न किचन है भैया, अभी गटर वगैरह सब कुछ में बकेट वगैरह सब चैनल्स लगे हुए हैं, ऊपर दे रखा है, स्पेस दे रखे हैं, ऊपर पे आपको शाफ्ट दे रखी है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर तो आराम से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, स्विच दे रखा, स्विच भी दे रखा है, RO का भी स्विच दे रखा है, माइक्रोवेव के लिए भी स्विच दे रखा है, सिंक वगैरह लगा हुआ है, टूटी वगैरह सारा कुछ लगा के देंगे। ये हम जब आपको फ्लैट फिनिश करके जब आपको शिफ्ट कराते हैं, उससे पहले आपको एक और बार पेंट करा के और सारी फिटिंग लगा के देते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। हमारा ये अपना पैसेज हो गया भैया, हमारा ये अपना कॉमन वॉशरूम हो गया, कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, सामने आपकी एकदम सीट चली गई और इसमें भी टाइल्स लगा दिए। देखिए ऊपर तक आपको टाइल्स लगा हुआ है, एक वॉशरूम में आपको सीट वगैरह सारा कुछ लगा के देंगे। अब फ्रंट चलते हैं हम, ये वुडन टाइल की तरह हमने कंसेप्ट के अंदर इसमें बेडरूम में दे रखी है, इसमें भी फिनिशिंग होनी है, पेंट का काम चल रहा है। ठीक है, 10x10 का हमारा ये बेडरूम है, इसके अंदर भी हम लाइट और फैन आपको करके देंगे। स्विचेस की बात करें तो एक स्विच यहाँ सामने दे दी है और एक मेन का स्विच दे दिया, जैसे आप कोई प्रेस वगैरह या इन्वर्टर वगैरह, इसमें हमने ये डिजाइनर का टेक्सचर दे रखा है, टेक्सचर पेंट कर रखे हैं इस पे, देखेंगे तो काफी बढ़िया। देखिए इस टाइप से फॉल सीलिंग, देखिए सिंपल सोवर में फैन वगैरह आपको लगा के दे रहे हैं,
टाइल्स आपको वुडन लुक में दे दिए। इसके बाद बालकनी देखेंगे, बालकनी की तरफ चलते हैं, बालकनी के एक पर दिखा दीजिए। बालकनी के अंदर आपको तीनों प्रोविजन दे रखे हैं, नाली टूटी भी हम लगा के देंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कि आपकी वॉशिंग मशीन आप करके। फ्रंट का हमारा फ्लैट हो गया भैया, 30 फुट सामने हमारी ये रोड है, रोड रहेगी 30 फुट की सामने आप देख सकते हैं। और ये आपको रेलिंग लगा दी है स्टील का और इसमें रेलिंग लगा दिया, ग्लास भी लगाएंगे। यहाँ पे अभी ग्लास भी लगेगा इसके अंदर, ग्लास लगना बाकी है। अब यहाँ पे देखिए आप विंडो वगैरह दे रखे हैं, इसमें आपको ग्लास वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। इसमें एसी लग जाएगा, विंडो एसी दोनों में किसी में विंडो एसी लग जाएगा। नीचे अगर आप कूलर लगाना चाहो तो आप कूलर भी लगा सकते हो। दोनों प्रोविजन आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे बजट के अंदर हमारा ये फ्लैट है। फ्रंट साइड का आपने ये फ्लैट देखा है, 10.5 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। अगर आप इस पर लोन लगाना चाहें तो 9.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के करीब इसका अपना लोन अमाउंट आ जाता है। बाकी अपना जो भी आपका 1 लाख रुपए देके बाकी अपना पूरा 90% तक की फंडिंग करा सकते हो, ठीक है। जिनको भी फ्लैट लेना हो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।